दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में आज भी असल में जलपरियां रहती है, जिनके सबूत कई बार समय समय पर सामने आते रहते हैं, जिनको देखने के बाद आपको जलपरियों पर विश्वास हो जाएगा। प्लिनी द एल्डर। बताया जाता है कि प्लिनी ने अपने वर्ल्ड ट्रेवल के दौरान कई बार प्राकृतिक इतिहास के बारे में लिखा, लेकिन उसी बीच जब वो वेस्टर्न यूरोप के समुद्री रास्तों से गुजर रहा था तो उसे वहाँ इंसानों जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर दिखाई दिया, जिसके पैर नहीं थे, जो कभी पत्थर पर तो कभी वहाँ मौजूद शिप पर चढ़ रहा था। बाद में जब प्लिनी ने उसका जिक्र अपनी किताब में किया तो उन्होंने जलपरी का नाम दिया, जिसके बाद ही दुनिया उस जीव को जलपरी के नाम से पुकारने लगी। मेन आइलैंड मरमेड। 1967 में जब एक फेरी ब्रिटिश कोलंबिया से गुजर रही थी तो उस फेरी में बैठे कई लोगों ने एक मरमेड को पत्थर पर बैठा हुआ देखा, जो कि काफी खूबसूरत थी, जिसके गोल्डन रंग के बाल थे और जिसके पैर मछली जैसे थे। कई लोगों द्वारा उस जलपरी को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जाता है कि उन तस्वीरों को जलपरियों की इकलौती असल फोटो माना जाता है। द हवाईयन मरमेड। कुछ ही सालों पहले इंटरनेट पर डाली गई जलपरी की ये तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हुई, जिसमें एक मरी हुई जलपरी दिखाई दे रही है, जिसको देखकर लोग इस बात से हैरान थे कि ये मरमेड यहाँ कहाँ से आई, जिसके बाद ऐसी और भी घटनाओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। बाद में जब उसकी जाँच की गई तो पता चला कि वो जलपरी का एक स्ट्रक्चर था, जिसे जुएन कबाना नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। इसराइल मरमेड। 2011 में कुछ इजरायली लड़कों ने मरमेड को पानी के बाहर उछलते हुए कई बार देखने का दावा किया, जिसके बाद ये खबर पूरे शहर में फैल गई। यहाँ तक कि उस टाउन के अधिकारियों ने मरमेड के पकड़ने पर $1 million का इनाम रखा, जो कि 7.5 करोड़ रुपीज होते हैं। हालांकि इस बात के 10 साल गुजरने के बाद भी आज तक किसी ने भी रियल जलपरी को नहीं पकड़ा। मरमेड मानाटीज। क्रिस्टोफर कोलम की माने तो उन्होंने 1492 में एक मोटी औरत को पानी में तैरते हुए देखा, जिसकी काफी लंबी पूंछ थी। बाद में जब उस क्रिएचर के बारे में पता लगाया गया तो वो कोई जलपरी नहीं बल्कि एक समुद्री जीव था, जो कि पानी की सतह पर तैर रहा था। अब कोलम्बस को वो जीव जलपरी जैसा लगा। इस पर कई लोगों का कहना है कि जब क्रिस्टोफर ने उस जीव को देखा तब वो सी सिकनेस का शिकार था और केवल अपने डर को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।